दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल फंक्शन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी फंक्शन कीज के बारे में और हमने बताया था बेसिक यूज इन कीज का, जो F1, F2, F3 और F4। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए उस पर उसे क्लिक कर आप मेरे उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में अगले चार कीज के बारे में बताऊँगा, F5, F6, F7 और F8। सबसे पहले बात करते हैं F5 के बारे में। दोस्तों, F5 का यूज़ तो हम जनरली जानते हैं रिफ़्रेश करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश किया और फिर F5 जस्ट क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये रिफ़्रेश होता रहेगा। यह है बेसिक यूज़ F5 का। इसके अलावा भी और कई यूज़ है F5 के। जैसे कि एक कोई पेज है उसे रीलोड करना है तो मुझे सिर्फ F5 दबाना होगा। जैसे मैं पहले गूगल पेज ओपन कर लेता हूँ, ये पेज गूगल का पेज ओपन हो गया है और अगर मुझे रिफ़्रेश करना है तो जस्ट F5 क्लिक करना होगा। ये देखिए, ये पेज फिर से ओपन होगा। ये एक यूज़ होगा। एक और यूज़ है MS पावर पॉइंट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ और इसमें स्लाइड शो के लिए F5 यूज़ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे F5 क्लिक कर लिया, ये देखिए ये आ गया स्लाइड शो। ठीक है, तो ये था यूज़ F5 का। और अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं F6 के बारे में। F6 में होता क्या है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लिया और मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ यूट्यूब, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अगर आपको फिर से एक नया वेबसाइट ओपन करना है और आपको एड्रेस बार पे अपना कर्सर मूव करना है तो आपको जस्ट F6 प्रेस करना होगा। जैसे मैंने F6 प्रेस किया, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आप कुछ भी अलग वेबसाइट ओपन कर सकता हूँ। तो बेसिक यूज़ क्या है F6 का, जस्ट अपना कर्सर जो है वो एड्रेस बार पर मूव करने के लिए F6 हम काम में लेते हैं। जो अगली की है वो है F7। दोस्तों, F7 से होता क्या है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड फाइल ओपन कर ली है, ठीक है, और उसमें मुझे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालना है, इसके लिए मुझे सिर्फ F7 प्रेस करना होता है बस। ये देखिए, जैसे मैंने F7 प्रेस किया, यहाँ पर बता रहा है स्पेलिंग, एक वर्ड इसने चुन लिया है या जो CATAIA कैटिया, इस वर्ड को इसने चुन लिया है और इसमें स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो सब यहाँ पर दिखा देगा। दोस्तों, ये था बेसिक यूज F7 का। अब बात करते हैं अगली की, जो है F8। दोस्तों, F8 से होता क्या है, जैसे आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर रहे हैं या फिर अपने कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं तो बूटिंग चल रहा है, ठीक है, तो उस समय अगर आपको सेफ मोड में जाना है तो आप F8 की जो प्रेस कर सकते हैं। मैं आपको एक्चुअली वो दिखा नहीं सकता क्योंकि वो दिखाने के लिए फिर मेरा सिस्टम शट ऑन करना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि सेफ मोड में जाने के लिए आप F8 का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे चार फंक्शन की का बेसिक यूज़। अगली वीडियो में मैं अगले चार कीज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपको मैं पहले बता दूं कि ये अब जो मैंने जो बेसिक फंक्शन बताया, सिर्फ इतना ही फंक्शन नहीं, अलग अलग सिनेरियो पे अलग अलग कंडीशन में इन फंक्शन कीज का अलग अलग रोल होता है। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं इन फंक्शन कीज का डिटेल यूज़ जानने के लिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूँगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।